हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम पढ़ेंगे इनक्वालिटीज़। देखिए, इनक्वालिटीज़ के क्वेश्चन आप कैसे करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसा मेथड या जैसा कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, अगर इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो श्योर शॉट है कि 5 मार्क्स 2 मिनट में आप ज़रूर ले लेंगे। देखिए, इनक्वालिटीज़ के अगर नियम कानून देखेंगे तो थोड़ा सा टफ हो जाता है, लोगों को टफ लगता है, क्योंकि मोर देन ग्रेटर देन देखना, लेस देन देखना, सब कुछ कंपेयर करके तब आपका आंसर आता है। लेकिन यहाँ मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, प्लीज़ उसको नोट कर लीजिए। नोट क्या करने की ज़रूरत है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस समझ लीजिए। अगर आप उसको समझ लेते हैं तो 5 मार्क्स 2 मिनट में आप ज़रूर ले लेंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि 5 मार्क्स 2 मिनट में आप ज़रूर गेन कर लेंगे। अगर ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो छोटा सा रूल है, रूल क्या मतलब है, कहने का है कि एक छोटा सा नियम समझ लीजिए, एक नियम है, थोड़ा सा छोटा सा नियम है, बस उसको कॉन्सेप्ट को फॉलो कर लीजिए, आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं अगर इनक्वालिटीज की क्वेश्चंस की बात करें तो। ठीक है, बस आप इस वीडियो को गौर से देख लीजिए और जैसा मैं कह रहा हूँ बस उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं गए। चलिए, उससे पहले प्लीज़ 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 सब्सक्राइब अस फॉर मोर इंफॉर्मेशंस। ठीक है, फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर एग्जामिनेशन अपडेट्स एंड शॉर्टकट सिक्स, एनी थिंग यू वॉन्ट टू नो, सब आपको यहाँ मिल जाएगा। प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब काही एजुकेशन। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। पहले कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, सिंपल है, ज़्यादा कुछ मैं आपको नहीं बताऊँगा यहाँ पे, सिंपल है। ए ग्रेटर देन बी, मतलब कहने का सिंपल सा है, ए जो है वो बी से बड़ा है, सिंपल सा लॉजिक, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इसका ये मतलब कि अब भी बड़ा हो गया है। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ए जो है वो बी से बड़ा जरूर है लेकिन बराबर भी है। इसका मतलब है कि अगर ए की वैल्यू 2 और 3 है और बी की वैल्यू 2 है, तो ए जो है 2 भी है और 3 भी है लेकिन बी 2 है, तो ए और बी बराबर भी हुए लेकिन 3 भी ए के पास है, तो 3 बड़ा, सॉरी, ए के पास 3 भी है तो 3 बड़ा भी हो गया। ठीक है, छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सिमिलरली वैसे ही अगर ये लिखा हुआ है तो बी जो है ए से बड़ा है लेकिन बराबर भी है, सेम कॉन्सेप्ट यही हो जाएगा कि बी की वैल्यू 3 और 4 है और ए की वैल्यू अगर 3 है, तो ए और बी में क्या कॉमन है, ये बराबर है, ए और बी बराबर है, तो ये साइन हो गया, और बड़ा है बी, मतलब 4 भी उसके पास है जो 3 से बड़ा है। ये सब आपको समझने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ये सब भूल जाइए। ठीक है, सब भूल जाइए, ये सब मैं आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि ये इस समय हम पढ़ेंगे ही नहीं। मैं आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो आप नियम कानून उसको फॉलो कर ले, आप सारे क्वेश्चन इक्वालिटीज के कर लेंगे। ठीक, ये छोटा सा था, थोड़ा सा हाईलाइट करना था तो मैंने कर दिया है, बाकी हम देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये एक स्टेटमेंट दे दीजिएगा इस तरह का। ठीक है, जैसे एल इज ग्रेटर देन के, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, इस तरह के स्टेटमेंट होंगे और इस तरह के कंक्लूजन होंगे आपके पास। ठीक है, क्या एक्स इससे बड़ा है, क्या एल एन से बड़ा है, क्या के जे से बड़ा, इसमें से आपको शॉर्ट आउट करके ये कंक्लूजन बताना है। ठीक, उसके बाद आपको बताना है कौन से कितने कंक्लूजन सही हैं। ठीक है, देखिए जो मैं कह रहा हूँ बस वही आप करिए, आपको कुछ कुछ नया ट्राई नहीं करना है, आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, पहले तो हम इसको क्वेश्चन डाल लेते हैं, एल इज ग्रेटर देन के। ठीक है, जो लिखा है बस वही मैं लिख रहा हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ। एक्स जे इज्क्वल टू एन एंड ग्रेटर देन वाई एन इज्क्वल टू डी, ये लिखा हुआ है, यही चीज़ मैंने यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया है। ठीक है, अब देखिए समझिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम पहले वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कि एक्स इज ग्रेटर देन एन इज्क्वल टू वाई, सिंपल सा पहला कंक्लूजन ये कह रहा है। ठीक है, दो चीजें आप समझिए, पहला एक्स ग्रेटर देन वाई है और एक्स इज्क्वल टू वाई है, यही है ना। ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ बस वो नियम कानून का फॉलो कर लीजिए, आप सारे क्वेश्चन 2 मिनट में, 5 क्वेश्चन 2 मिनट में आप कर लोगे। पहले हम लोग को देखना है ये साइन। ठीक,
ये साइन जो है एक्स का, ये कह रहा है साइन किधर है, एक्स की तरफ है। ठीक है, अब हमारे पास एक्स कहाँ है, एक्स ये है, वाई ये है, साइन ये है। तो पहला नियम कानून ये है कि सारे जो ये ग्रेटर देन है वो साइन एक्स की तरफ होने चाहिए। ये जो मुंह है सारा, जो ये फेस खुला हुआ है एक्स की तरफ खुला हुआ है, तो सारे जो फेस होने चाहिए वो एक्स की तरफ खुलने चाहिए। यहाँ से यहाँ के बीच में सारे फेसेस एक्स की तरफ होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो ये हो जाता है फेल। आ गया समझ में? बस अब आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, ये खत्म हो गया, पहला कंक्लूजन आपका हो गया है फेल। अब अगले कंक्लूजन बढ़ेंगे और देखेंगे अगला कंक्लूजन क्या कह रहा है। देखिए ये आपको फास्ट करना है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब अगला क्या कह रहा है, एल इज ग्रेटर देन, एल इज ग्रेटर देन एल। तो जो जो साइन है सारे एल की तरफ होने चाहिए। ये एल है हमारे पास, ये एन है, क्या सारे साइन एल की तरफ है? जी ये है, ये है, ये नहीं है। तो ये हो जाता है कॉन्सेप्ट, ये भी फेल, पहला फेल हो चुका था, दो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे हो गए हैं फेल। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या कह रहा है, अगला देखेंगे। अगला कह रहा है कि के इज ग्रेटर देन जे, मतलब सारे साइन के की तरफ होने चाहिए। के हमारे पास ये है, जे हमारे पास ये है, ये साइन के की तरफ है लेकिन ये साइन के की तरफ नहीं है। देखिए इसके बीच में लिमिट, जहाँ के है जे है, उनके बीच में सारे साइन देखेंगे के की तरफ होने चाहिए। क्या ये है? जी हाँ ये है, ये नहीं है। तो ये हो जाता है फेल। आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे, अगला हमारे पास क्या है, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है डी इज ग्रेटर देन एक्स, सारे साइन डी की तरफ होने चाहिए। डी हमारे पास ये है, एक्स हमारे पास ये है, यहाँ से यहाँ तक जाना है, सारे साइन डी की तरफ होने चाहिए। जी ये है, ये है, ये है। देखिए जे इज्क्वल टू एन मतलब कुछ नहीं, मतलब ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, इसका साइन मतलब दोनों बराबर हैं, तो इसको कंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि बराबर है, तो इसको भूल जाइए। ठीक है, सारे साइन क्या के की तरफ, डी की तरफ हैं, ये है, ये भी डी की तरफ, ये भी डी की तरफ है, तो चौथा कंक्लूजन हो जाता है सही और हमारा आंसर हो जाएगा ई, ओनली फोर्थ इज ट्रू, ओनली फोर्थ इज ट्रू। देखिए समझ में आया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं करना है आपको, और समझ में आएगा मैं जब अगला क्वेश्चन लूंगा और क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया है, पहले स्टेटमेंट हम कॉपी कर लेते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है पी इज ग्रेटर देन जे, ग्रेटर देन इक्वल टू वी, इज्क्वल टू डी, ग्रेटर देन एल, लेस देन इज्क्वल टू सी। देखिए ये दिया हुआ पहला कंक्लूजन हमारे पास क्या कह रहा है, पहला कंक्लूजन पी इज ग्रेटर देन सी, मतलब सारे मुंह जो हैं वो पी की तरफ होने चाहिए। सी से अगर हम कंपेयर करेंगे, पी हमारे पास ये है, सी हमारे तरफ पास ये है, क्या सारे मुंह पी की तरफ हैं? ये है, ये भी है, इक्वल टू कंक्लूड नहीं करते, हमने पहले बताया ये है, लेकिन ये लास्ट वाला नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा गलत, पहला वाला हो गया गलत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्या कह रहा है, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, मतलब सारे मुंह पहले देखिए डी की तरफ होने चाहिए। तो डी हमारे पास ये है और सी हमारे पास ये है, क्या सारे मुंह डी की तरफ है? जी हाँ ये वाला है, ये नहीं है डी की तरफ, देखिए सी की तरफ इसका मुंह है, तो ये कंक्लूजन भी हो जाएगा गलत। आगे बढ़ेंगे, तीसरा हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास है एल इज लेस देन पी, तो सारे मुंह जो होने चाहिए वो पी की तरफ होने चाहिए। तो हम देखते हैं क्या हमारे पास सारे मुंह पी की तरफ है। देखिए साइन जिधर मुड़ा हुआ है, सबसे पहला नियम कानून वही होगा कि आपको वो देखना है कि सारे मुंह उसकी तरफ खुले हैं कि नहीं। पी हमारे तरफ ये है, देखिए बिल्कुल देसी भाषा में, बिल्कुल ले मैन की भाषा में आपको समझा रहा हूँ, इससे इन सिंपल आपको कोई नहीं समझा सकता। पी ये हमारे पास ये है, एल हमारे पास ये है, सारे मुंह पी की तरफ होने चाहिए तभी हमारा ये नियम फुलफिल होगा, कंक्लूजन फुलफिल होगा। तो एल हमारे पास ये है, पी हमारे पास ये है, सारे मुंह पी की तरफ होने चाहिए, ये है, ये है, इक्वल टू कंक्लूड नहीं करते हैं, उसको हम सत्य मानते हैं, सही है, तो ये भी सही है, और ये भी देखिए पी की तरफ, ये भी पी की तरफ है, ये भी पी की तरफ है, ये भी पी की तरफ, मतलब सारे कंक्लूजन हो जाते हैं सही, मतलब ये हमारे पास आ गया सही। लास्ट वाला क्या कह रहा है, जे इज ग्रेटर देन एल, अब हमें देखना है कि क्या सारे मुंह जे की तरफ खुले हैं कि नहीं, वो हमें यहाँ पे
देखना है इसको, हम यहाँ देखेंगे हमारे पास, एक मिनट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये ठीक है। जे इज ग्रेटर देन एल, लास्ट कॉन्सेप्ट ये है, जे हमारे पास ये है, एल हमारे पास ये है, क्या सारे मुंह जे की तरफ खुल रहे हैं? देखते हैं, लेट्स सी। पहला जे की तरफ खुल रहा है, इसको कंक्लूड नहीं करते हैं, इक्वल टू को हम नेगलेक्ट कर देंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, छोड़ेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। आखिरी एल ये है, ये भी मुंह जे की तरफ ही खुल रहा है, ये देखिए ये भी जे की तरफ है, ये भी जे की तरफ है, ये कंक्लूजन बी हो जाता है सही। इसका मतलब ये है हमारे पास कंक्लूजन थर्ड और फोर्थ जो है वो मिला है सही, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, मतलब ओनली थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू। है सिंपल, कुछ नहीं है, बस जिधर साइन हो बस वो देखिए पी की तरफ सारे मुंह हैं कि नहीं है। अगर ऐसे लिखा हुआ है जे इज ग्रेटर देन के, तो जे की तरफ सारे मुंह हैं कि नहीं है वो कंक्लूजन पकड़ लीजिए, क्वेश्चन फटाफट आपके सॉल्व होते चले जाएंगे, कोई नियम कानून लगाने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। देखिए स्टेप टू, ये पहले जो क्वेश्चन थे वो स्टेप वन के थे, स्टेप टू क्वेश्चन देखिए, पहला ये सरक दिया होगा, लेकिन बीच में देख रहा है आपको सेमी कॉलन दिख रहा है, दिख रहा है आपको ये सेमी कॉलन, क्योंकि सारे इक्वल मैंने दिए हैं, बीच में सेमी कॉलन लगा हुआ है, कुछ नहीं करना है। वैसे नोट करिए, बी इज ग्रेटर एन इक्वल टू ए, ठीक है, ए इज लेस देन के, ठीक है, और के इज लेस देन एफ, अब यहाँ सेमी कॉलन लगा हुआ है, तो ये क्या कह रहा है, एफ इज लेस देन बी, एफ हमारे पास है तो इसको करिए हटा दीजिए, ठीक है, एफ हमारे पहले था, ये लिख लीजिए इक्वल टू डी। ये समझ में आया कि नहीं? क्या किया हमने, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, पहली जो बीच में सेमी कॉलन था यहाँ पे, एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, आगे बढ़ेंगे, ए इज लेस देन के, आगे बढ़ेंगे, के इज लेस देन एफ, लेकिन यहाँ पे सेमी कॉलन दिख रहा है, लेकिन सेमी कॉलन के बाद एफ है, एफ यहाँ भी था, तो सेमी कॉलन को हटाएंगे और इस एफ को भी हटाएंगे क्योंकि एफ हमें यहाँ मिल गया है, आगे यहाँ बढ़ेंगे बी, आया समझ में, इक्वल टू डी, ये हमारी हो गई सीरीज पूरी। हाँ इजी, सेमी कॉलन से कैसे निपटते हैं आपको बता दिया है, चलिए आ जाते हैं पहले पे, क्या कह रहा है, बी इज ग्रेटर देन के, सिंपल था, सारे मूव बी की तरफ होने चाहिए, बी हमारे पास ये है, के हमारे तरफ ये है, पहला मूव बी की तरफ है लेकिन दूसरा मूव बी की तरफ नहीं है, तो पहला कंक्लूजन हो जाता है फेल। जस्ट वैसे ही करते हैं जैसे करते आए हैं, आगे बढ़ेंगे, अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है ए इज ग्रेटर देन डी, मतलब सारे मुंह ए की तरफ होने चाहिए, ए हमारे पास ये है, डी हमारे तरफ ये है, ये इक्वल टू है, पहले एक तरफ उठाते हैं, पहला ही मुंह देखिए ए की तरफ नहीं है, ये अपोजिट है, तो ये हो गया है फेल, आगे बढ़ने जरूरत ही नहीं है, खत्म करिए, तुरंत खत्म करिए, देखिए टाइम खराब नहीं करिएगा एग्जाम में बिल्कुल भी, जहां पहला ही दिखता है, क्योंकि हम देखिए सारे मुंह ए की तरफ होने चाहिए, तो पहला ही मुंह ए की तरफ नहीं था, तो हम तुरंत उसको कंक्लूजन को नेग्लेक्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला कह रहा है डी इज लेस देन एफ, मतलब सारे मुंह जो है एफ की तरफ होने चाहिए, एफ हमारे पास ये है, डी हमारे पास ये है, सारे मुंह एफ की तरफ होने चाहिए, है ये पहला ही नहीं है, ये भी कॉन्सेप्ट हो जाता है गलत, आगे बढ़ जाएंगे और अगला कंक्लूजन हम देखेंगे। देखिए बहुत तेज करना है, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कितनी फास्ट करना है, क्योंकि 2 मिनट में आपको 5 क्वेश्चन कर लेने हैं, तो वो कैसे होंगे, वो ऐसे ही होंगे अगर इस तरह करेंगे। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है ये, सारे मुंह बी की तरफ होने चाहिए, बी हमारे पास ये है और एफ हमारे तरफ ये है, सारे कंक्लूजन जो सारे फेसेस होने चाहिए वो बी की तरफ होने चाहिए, ये है ये बी की तरफ नहीं है, तो ये भी हो जाता है फेल, तो हमारे पास हो जाएगा नन इज ट्रू, कोई भी इसमें से नन इज ट्रू, ठीक है, इसमें से कोई भी कंक्लूजन हमारा फुलफिल नहीं हुआ, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नन इज ट्रू। आ रहा समझ में, बिल्कुल सिंपल सा है, जिधर फेस है उधर वाले फेस सारे तरफ होने चाहिए, फिर अगर वो सारे फेसेस पूरे होते हैं तो आपका कंक्लूजन पूरा होगा, अगर वो पूरे नहीं होते हैं तो आप वहीं पे क्वेश्चन छोड़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, चार कंक्लूजन दिए हैं, क्या कह रहा है, एम इज लेस देन एन, एन लेस देन यू, ग्रेटर देन इक्वल टू आर इक्वल टू टी, एंड टी इज ग्रेटर देन वी एंड। देखिए बड़ा लंबा कंक्लूजन है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी है, हम तो इजी वे में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्या कह रहा है, ये कह रहा है सारे मुंह टी की तरफ होने चाहिए, कह रहा है टी इज ग्रेटर देन एन,
टी इज ग्रेटर देन, ये देखिए टी इज ग्रेटर देन एन है, सारे मूव टी की तरफ होने चाहिए, टी हमारे पास ये है और एन हमारे पास ये है, सारे मूव टी की तरफ होने चाहिए, इसको करेंगे नेगलेक्ट क्योंकि इक्वल टू है, ये टी की तरफ है, ये भी टी की तरफ है, दोनों मूव टी की तरफ है, तो कंक्लूजन हमारे पास हो जाता है सही। आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे पास क्या कह रहा है कि आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, यही कह रहा है ठीक है। अब आगे हम, एक मिनट मैं इसको डिलीट करता हूँ, पहला कंक्लूजन हमारे पास सही निकल गया है, हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ई, मतलब सारे मूव पहले तो आर की तरफ होनी, पहला पहला रीजन यही है, आर ये है और ई हमारे पास ये है, सारे मूव आर की तरफ होने चाहिए, देखिए इक्वल टू है, इसको नेगलेक्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये मूव आर की तरफ है ठीक है, ये भी मूव आर की तरफ है ठीक है, पहला कंक्लूजन सही हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है इक्वल टू भी लगा हुआ है, नीचे देख रहे हैं इक्वल टू, क्या इक्वल टू भी है, इसको नेगलेक्ट करेंगे, जी हाँ इक्वल टू नीचे है, इक्वल टू नीचे है, ये भी कंक्लूजन हो जाता है सही। देखिए थोड़ा सा ये चेंजेस है, इसमें चेंजेस क्या था, पहले हम साइन देखेंगे, सारे साइन आर की तरफ है कि नहीं, ये आर था ये ई था ठीक है, पहला हमने देखा इक्वल टू को, जहां भी इक्वल टू ये लिखा हो इसको नेगलेक्ट करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि इसके इसके बराबर है, इसको टेंशन की जरूरत नहीं, इसको नेगलेक्ट करके आगे बढ़िए, पहला मुंह आर की तरफ है जी सही है, दूसरा मुंह आर की तरफ है सही है ठीक, अगला हमने देखा इक्वल टू भी नीचे लगा हुआ है, क्या इक्वल टू भी दोनों में है, इक्वल टू इसको नेगलेक्ट करिए, इक्वल टू है इसमें और इसमें भी है, अगर इसमें भी कहीं भी इसमें इक्वल टू नहीं होता तो मे और मे नॉट बी की कंडीशन बन जाती है, लेकिन दोनों में इक्वल टू दिया हुआ है तो ये भी फुलफिल हो जाता है ठीक है, सॉरी ये दूसरा फुलफिल हो जाता है। अब तीसरा देखेंगे हम लोग, चलिए इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ, उसको मैं इरेज कर देता हूँ ठीक है, हाँ आ जाते हैं आगे, अगला क्या कहता है, एम इज लेस देन टी, सारे मूव जो है वो किसकी तरफ होने चाहिए, टी की तरफ होने चाहिए, टी ये हमारे पास ये है, एम हमारे पास ये है, सारे मूव टी की तरफ है, इसको नेगलेक्ट करिए, जी हाँ ये टी की तरफ है, ये टी की तरफ, ये भी टी की तरफ है, ये कंक्लूजन भी हो जाता है सही ठीक है, ये भी सही हो गया है। आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे पास क्या है, हाँ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू, ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए, लास्ट वाला देख रहे हैं हम लोग, ये वाला टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू, अब हमारे पास क्या कह रहा है, टी की तरफ सारे मूव होने चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये कर दिया डिलीट, अब अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, सारे मूव टी की तरफ होने चाहिए, टी हमारे पास ये है और यू हमारे पास आई थिंक ये है, ये यू है, मेक इट करेक्ट, ये यू है ठीक है, सारे मुंह टी की तरफ होने चाहिए, इसको करेंगे नेगलेक्ट, एक ही बचता है टी की तरफ है, दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन है इक्वल टू भी होना चाहिए, इसको करेंगे नेगलेक्ट, इक्वल टू भी है, देखिए यहाँ पे अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो मे और मे नॉट की कंडीशन भी बन सकती थी, लेकिन यहाँ पे है, देखिए ये जो इक्वल टू है ना, आर इक्वल टू टी, इसको नेगलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे टी है खत्म, अब ये देखिए यही कंडीशन तो यहाँ कह रहा था, यहाँ पे टी है, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू, ठीक है बन गया ठीक है सिंपल से, तो हमारे पास सारे करेक्ट हो जाते हैं, तो कौन सा है, ए इज करेक्ट, ऑल ए 1 2 3 4 कंक्लूजन आर ट्रू ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन का, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इससे सिंपल मैं आपको नहीं समझा सकता, बहुत सिंपल बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छा है, देखिए सिंपल सा है, देखिए इसमें दो दो सेमी कॉलन है, यहाँ पे सेमी कॉलन है और एक यहाँ पे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आर इज ग्रेटर देन बी ठीक है, इक्वल टू ग्रेटर देन एस, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, सेमी कॉलन आया, देखिए ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन है, यही चीज़ लिखा है, एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, नेगलेक्ट करिए ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है, एस इज ग्रेटर देन ओ इक्वल टू, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओ, तो सिंपल सा एस यहाँ पे है, अगर हम यहाँ पे ये लिखें तो इसका मतलब यही तो हुआ, एस इज ग्रेटर देन ओ, जब साइन एक तरफ हो सिंपली इसको हटाइए, आगे बढ़ जाइए और इसको, ये हो गई सीरीज कंप्लीट। देखो अगर एस, अगर हमारे पास क्वेश्चन ये आता है एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओ ठीक है, ये आता है क्वेश्चन, तो देखिए पहले साइन, सारे सारे साइन एस की तरफ होनी चाहिए, ये हमारे पास एस है, ये ओ है, सारे साइन एस की तरफ है, देखिए एस ये है, ये ओ है, ये है ठीक है, ये भी ठीक है, इक्वल टू है, इक्वल टू दोनों में लगाए, तो कंडीशन हो जाती है फुलफिल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ कैसे लिखना है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप समझने की कोशिश करें समझ में आ जाएगा, आर इज ग्रेटर देन बी, आगे बढ़े, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एस, एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, यहाँ तक तो था,
यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे लिखना क्या, आगे क्या कह रहा है, आपने देखा क्या कह रहा है। एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी है, एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी, यहाँ तो हमने लिख चुके हैं ना, यहाँ पे लिख चुके हैं, इसको दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओ है, एस हमारे पास ये है, अगर हम यहाँ पे एस इज ग्रेटर देन ओ लिखें तो बात तो वही है ना जो हमने अभी एग्जाम्पल दिया, एस एस की तरफ सारे मुँह है, जी हाँ ये भी है, ये भी है, इक्वल टू है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है कन्फ्यूज़ होने की, बस आगे बढ़ जाइए, ख़त्म, स्टेटमेंट हो गया आपका पूरा कंप्लीट। अब चलिए करते हैं इसको क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे, और एक मिनट। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है बी इज ग्रेटर देन यू, बी हमारे पास ये है, यू हमारे पास ये है, सारे क्वेश्चन सारे मुंह बी की तरफ होने चाहिए, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, तो ये हो जाता है करेक्ट। लेकिन एक चीज़ और नोट करने वाली है, एक चीज़ और नोट करने वाली है कि नीचे इक्वल टू भी लगे हुए हैं, तो ये कंडीशन कहाँ चली जाएगी, ये चली जाएगी मे और मे नॉट में, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये जो ये हो जाएगी मे और मे नॉट भी, आ समझ में, क्योंकि यहाँ पे सारे इक्वल टू भी तो लगे हैं, ये जो कंडीशन कह रहा है ये तो ठीक है, ये कंडीशन जो कह रहा है नीचे इक्वल टू भी है, मतलब बी जो है इक्वल टू और ग्रेटर देन यू है, ये अगर ये होता तो सही था, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, सिर्फ इक्वल टू लगा है, तो बी जो है सारे साइन बी की तरफ है, ठीक है सही है, तो मान लेते हैं सही है, लेकिन नीचे सब इक्वल टू लगा है तो ये मे और मे नॉट में चला जाएगा, इसको हम कंसिडर फुली नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं, आगे कंक्लूजन क्या कह रहा है, डी इज लेस देन और इक्वल टू ओ। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्या कह रहा है, डी इज लेस देन इक्वल टू ओ, पहले तो सारे मुंह की तरफ होने चाहिए, ओ हमारे पास ये है और डी हमारे पास ये है, ठीक है सारे मुंह डी की तरफ ओ की तरफ है, ये देखिए यहीं पे दिख रहा है आपको, नहीं है तो ये हो जाता है गलत। आगे बढ़ जाएंगे, कोई जरूरत नहीं हेक्टिक होने की, आगे बढ़ेंगे, यू इज ग्रेटर देन बी, अगला कह रहा है यू इक्वल टू बी, यू हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, सारे इक्वल टू हैं क्या, देखिए सब इक्वल टू नीचे लगे हुए हैं, जी हाँ है, लेकिन एक चीज़ और नोट करने वाली है कि ये भी है, ये देखिए ग्रेटर साइन का भी साइन है, तो ये भी कंडीशन जो चली जाएगी मे और मे नॉट में, ये कंडीशन चली जाएगी मे और मे नॉट में, क्योंकि देखिए हम ढूंढ क्या रहे हैं, हमें ये हमसे पूछ रहा है यू इज ग्रेटर देन बी, हमने कहा हाँ भाई है, सब में इक्वल टू नीचे लगा हुआ है, तो बी सारे सारे इक्वल टू, यहाँ यू से बी तक सारे इक्वल टू लगे हुए हैं, हमने कहा हाँ सही है, लेकिन हमने फिर देखा सारे ग्रेटर देन के भी साइन तो लगे हुए हैं, ये भी तो कंडीशन फिलफिल हुई, तो ये मे और मे नॉट में चला जाएगा। ठीक है, अगला लास्ट वाला हम देख लेते हैं, अगला लास्ट क्या कह रहा है, सिंपल है, आर इज ग्रेटर देन ओ, ठीक है आर ये है, ठीक है ओ हमारे पास ये है, ठीक है आर इज ग्रेटर देन बी, सारे मुंह एक आर की तरफ है, जी हाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है दिख रहा है, ठीक है तो आर सारे मुंह आर की तरफ है, ये आर की तरफ है, ये भी आर की तरफ है, ये भी आर की तरफ है, ये भी आर की तरफ है, तो यहाँ से यहाँ तक सारे मुंह आर की तरफ है, लेकिन यहाँ पे देखिए कंडीशन, यहाँ पे सारे में इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ, तो सारे में इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है इसको हम पूरा फुल्ली एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, ये फुल्ली ट्रू है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, आर इज ग्रेटर देन बी, आर इज ग्रेटर देन बी, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी नहीं है, तो इसको हम फुली एक्सेप्ट कर लें, अगर यहाँ पे इक्वल टू होता तो ये भी मे और मे नॉट में चला जाता, क्योंकि सारे में इक्वल टू लगा था और सारे में नीचे सॉरी ग्रेटर देन लगा हुआ था और सारे नीचे इक्वल टू भी लगा था, तो ये मे नॉट में चला जाता है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे नहीं है, नीचे में देखेंगे यहाँ पे इक्वल टू ये जो यहाँ पे नहीं है, तो आर की तरफ सारे मुंह है, यहाँ तक ओ तक हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक सारे आर तक मुंह है, और इक्वल टू एक में नहीं लगा हुआ है, तो इसको फुली हम एक्सेप्ट कर लेंगे। देखिए इससे सिंपल मैं आपको नहीं समझा सकता, ये आपको फटाफट देखना है, इस तरह सीरीज बना के फटाफट देखना है, आप मेरी माने थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे 2 से 2.5 मिनट में आप 5 क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए फिलहाल ये कॉन्सेप्ट था इनक्वालिटीज़ को लेके,
जिधर से साइन देखिए, जिधर मुंह खुला हुआ है उधर से वहां से कंपेयर करके देख लिए सारे मुंह उस तरफ है कि नहीं है। फिर उसके बाद अगर सारे कंप्लीट होते हैं, नीचे इक्वल टू का साइन लगा है तो सारे में इक्वल टू साइन है कि नहीं है, बस आपको कंपेयर करना है, मिलाना है यहाँ से इस अल्फाबेट से इस अल्फाबेट तक सारे उस तरफ के हैं कि नहीं है। सीरीज कैसे बनानी है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूजन और हो तो आप कमेंट करेंगे, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूंगा। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।